किसान भाइयों, आज जो है अपने को महिंद्रा 265 DI मिला है भाइयों। पावर प्लस आप देख सकते हैं यहाँ से। तो ये भूमिपुत्र ट्रैक्टर है और यहाँ पे इसकी जो लिफ्ट की बात यदि की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रोवो लिफ्ट हाइड्रोलिक MKM जो ट्रैक्टर भाइयों, पहले जैसी बात नहीं रही है इसमें। जो कि जो पहले ट्रैक्टर आते थे उनमें काफ़ी ज़्यादा भाइयों ताकत है। और ये अभी गांव में उसका काम चल रहा भाइयों, पाइप नल फिटिंग का। तो तो 265 DI आप देख रहे हैं भाइयों। तो पहले पहले भाइयों जो महिंद्रा एजेंसी यहाँ पे आप देख सकते हैं डबल सपोर्टिंग के साथ में देती थी, लेकिन अन्य कंपनियाँ जो है इसमें सिंगल सपोर्ट देती थी रिम में, लेकिन इसमें पहले से भी भाइयों डबल सपोर्ट रिम के साथ में ट्रैक्टर आता है। और 13 के, अच्छा 13 के हैं, आपने अलग से डलवाए थे? नहीं, कंपनी से ही आए थे। कंपनी से ही भाइयों 13 के इसमें टायर आए थे भाइयों। और लेकिन अब तो कंपनी स्वराज में भी और महिंद्रा में भी 12 के टायर देती आई है, लेकिन अभी उसने फिर चेंज किया है टायर को, 13 के कर दिए हैं अभी। तो ये जो ट्रैक्टर 35 HP है, और भैया से भी थोड़ा पूछेंगे। तो भाइयों यहाँ से आप देख सकते हैं इसमें सिंगल डिस्ट्रीब्यूटर AC DC बल्ब यहाँ पे लगा हुआ है। कंपनी से ही आए थे ये ना भैया? तो ये यहाँ पे आप इसकी जो सेंसिंग देख सकते हैं भाइयों, ट्राली पर चलाते हैं। तो आपने तो इसको चेंज करवा दिया है? तो इसको चेंज करवा दिया। और इसमें भाइयों ये सिस्टम देख रहे हैं आप, चेन सिस्टम है यहाँ पे। तो जैसे ट्राली पर चलाने के लिए तो ये यूज नहीं होता, जैसे टीलर पर चलाते हैं। तो इसको पटली वाला, हाँ, तो ये बहुत बढ़िया सिस्टम है, चेन सिस्टम। और पटली वाला जो उसमें टीलर आप लगा देते हैं तो इधर उधर उसमें थोड़ी, हाँ, तो इसमें जैसे आप जितना भी टाइट कर सकते हैं तो उस हिसाब से वो पटली से भी बेहतर है भाइयों ये चेन सिस्टम। बैटरी बॉक्स महिंद्रा में शुरू से ही भाइयों साइड में देती है कंपनी, और अन्य ट्रैक्टर में आगे की तरफ देती है, जिससे ट्रैक्टर का जो कलर होता है भाई वो ख़राब हो जाता है। भैया ये कितने घंटे चल चुका हुआ ट्रैक्टर अभी? 4175 घंटे, 4175 घंटे बताया भैया ने। कौन सा मॉडल है ये? 2012 मॉडल। तो जैसे आपने इस सपोर्ट को लगवाया तो इसका मतलब क्या है? ये मटका ढली नहीं, इसे क्या है, ये मटका ढलती है ना, तो इससे सपोर्ट रहती है, मतलब हिलते डुलते नहीं, हाँ, मजबूती थोड़ी होती है। तो भाइयों आपको भैया के द्वारा दी गई जानकारी, जैसे भैया आपके पास अभी कौन कौन से ट्रैक्टर हैं? और मेरे पास सोनालिका है, इतना आया था मेरे पास सोनालिका भी है, हाँ, और 735 भी है, दो स्वराज, हाँ, स्वराज 735। सोनालिका कौन सा है? FE है, सोनालिका 745 DI है, हाँ, 2017 मॉडल है, हाँ, और महिंद्रा जी 2012 है, हाँ, एक स्वराज 2012 है, अच्छा, 735 FE, और एक FE मेरे बड़े पापा का है, वो मेरा नहीं है। तो आपका गांव कौन सा है? मेरा परासरी गांव है। परासरी, ये किधर पड़ता है? ये अपने राजापुर के आगे, राजापुर के आगे। तो अपने गांव में भाइयों नल फिटिंग का काम कर रहे हैं भैया, तो यहाँ पे आए हैं, तो सोचा इन्हें से थोड़ी आपके लिए जानकारी दें। तो महिंद्रा 265 आपको कैसा लगा? वीडियो अच्छी लगी हो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और आपको महिंद्रा 265 कैसा लगा भाइयों? आप किस ट्रैक्टर की जो है वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। और भैया के घर पर जाकर उनसे सभी ट्रैक्टरों की आपको जानकारी देंगे। भैया एक बार यहाँ पर ले जाना।